के कण कण में जहाँ भगवान विश्वनाथ बसते हैं, उसी धर्म नगरी काशी में एक संत रविदास का एक ऐसा मंदिर है जिसे काशी के दूसरे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए भी है कि इसके तीन गोवर्धन यानी संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मस्थल, यहाँ पर निर्मित इनका भव्य मंदिर भी अब गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। मन चंगा कटौती में गंगा, इस कहावत के जनक संत रविदास जी की जयंती माघ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जिसको लेकर रविदास जन्मस्थली वाराणसी में पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। मोक्ष दायिनी काशी के सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास जन्मस्थली को बड़े ही अनोखे ढंग से सजाया गया। पुलिस प्रशासन के लोग भी बड़ी मुस्तैदी से कार्य करते हुए दिखे। मंदिर प्रशासन ने देश के तमाम शीर्ष राजनेताओं को रविदास जयंती पर आने का निमंत्रण भेजा है। इसमें अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, योगी आदित्यनाथ, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर रावण और मायावती जैसे नेता शामिल हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण भेजा गया है। इस बार की जयंती पर चुनावी मौसम में अखिलेश और जयंत के भी आने की सूचना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस दौरान यहां संत रविदास के दर पर अपना शीश नवाएंगे। सीएम योगी के भी आने की सूचना है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी प्रोटोकॉल मंदिर प्रशासन को उपलब्ध नहीं हुआ है। मन चंगा कटौती में गंगा, ये कहावत आपने जरूर सुना होगा। ये कहावत, ये कथन संत रविदास जी की है। बता दें कि 16 फरवरी को पूरे भारतवर्ष में संत रविदास जयंती मनाई जाएगी, जिसके क्रम में वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर में संत रविदास जी की जो जन्मस्थली है वहाँ संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसके क्रम में तैयारियां पूर्ण कर चुकी व्यवस्था और व्यवस्थापक ने तैयारी एकदम पूर्ण कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माघ महीने के पूर्णिमा तिथि को संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। संत रविदास जयंती मनाई जाती है। संत रविदास भारत समाज में और विशेषकर भारतवर्ष में एक ऐसे संत रहे जिन्होंने कर्म को ही सबसे ऊंचा माना है। कर्म प्रधान देश रहा है भारत, और उन्होंने बताया है कि कर्म से बड़ा कोई भक्ति नहीं है, कर्म से बड़ा कोई श्रद्धा नहीं है। मूल रूप से उनके माता पिता चर्मकार रहे और अपने पैतृक कार्य को करते हुए संत रविदास जी अपने कर्म में लीन रहे, और कर्म के आधार पर ही उन्होंने बताया है कि कर्म से बड़ा कोई भक्ति और श्रद्धा नहीं है। मैं अपने सहयोगी पौंडित से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से श्री गोवर्धन और वाराणसी के श्री गोवर्धन में उनके जन्मस्थली पर किस तरीके से आज से ही अभी इस वक्त श्रद्धालुओं का जो भीड़ उमड़ पड़ा है, मैं चाहूँगा कि सहयोगी दिखाएं कैमरे के माध्यम से। यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी, पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लोग मौजूद हैं। ये जन्मस्थली है श्री गुरु रविदास, संत रविदास की, और यहाँ पर पूरे दिन भीड़ अभी से उमड़ रही है। जो कल 16 फरवरी है, माघ माह की पूर्णिमा, कल जयंती मनाई जाएगी। कल पूरे रिवाज परंपरा के अनुसार भक्ति भाव से भजन कीर्तन होगा। वाराणसी से पवन चक्रवाल के साथ मैं रवि कुमार, R9 भारत। वाराणसी से रवि कुमार की रिपोर्ट, R9 भारत।